हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ब्लॉग। और आप लोग को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अभी है दोपहर का समय और बज रहे हैं 1 बजने जा रहे हैं। और आरब को नाश्ता पानी हो गया है, वो सो चुका, उसको सोला दिया मैंने। अब दोपहर का लंच बनाने जा रहे हैं। और ये देखिए, मैंने आरब के लिए दाल रख चुकी हूँ बनाने के लिए। सुबह ये नाश्ता कर कर अपना चले गए, जो ज़्यादा सिंपल नाश्ता बनाए थे। तो फिर अभी इस समय जा रहे हैं ये सोयाबीन का सब्ज़ी बनाने। और मेरी वीडियो को प्लीज़ से पूरा देख कर लाइक ज़रूर करिएगा, और उम्मीद करती हूँ आप लोग करेंगे, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। और ये देखिए, सोयाबीन का सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं नए तरीके से, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए, मैंने 50 ग्राम सोयाबीन लिया है, एक कुछ खड़े मसाले हैं जो सिलबट्टे पे मैं पीसूँगी, और ये मैंने एक प्याज लिया है, और ये आलू है जो पानी में मैंने भिगो कर रख दिया है, नहीं तो काला पड़ जाएगा। और ये देखिए, मैंने हल्दी डालने हैं, ये सोयाबीन को फ्राई करेंगे जो एकदम नए तरीके से है। आप लोग भी देखिए, अरे कई अंडा पड़ेगा इसमें। और ये देखिए, मैंने ये डाल दिया है, इसको अच्छे से मिला लेंगे। अंडे को भी डाल दिया मैंने इसको मिलाने के बाद, और सिलबट्टे पे मैंने मसाला पीस लें पहले तब। और ये देखिए, मैंने मसाला अच्छे से पीस लिया है, इसमें हल्दी डाल देंगे, और ये नमक इसमें पड़ा ही हुआ है तो कम ही डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा हो सकता है। ये धनिया पाउडर, और ये मैंने सरसों तेल गरम करने के लिए रख दिया है, अब इसको इसे फ्राई कर देंगे। ये देखिए, सारे सोयाबीन को मैंने इसमें भून लिया है तेल में, सरसों के तेल में। ये देखिए, मेरा अच्छे से भून गया है, अब इसको निकाल देंगे। ये देखिए मैंने सोयाबीन को अच्छे से भून लिया है, ये प्याज लाल रखने के लिए कर दिया है, और तेल मैंने कम ही डाला है क्योंकि सोयाबीन में पड़ चुका है, तो सब्जी में पड़ेगा तो अपना हो जाएगा। अभी हम डाल दे रहे हैं मसाले सारे। और ये देखिए, मेरा मसाला हल्का हल्का भुन गया है क्योंकि इसमें तेल कम डाले हैं, तो अभी तेल ऊपर नहीं आया है, ये सोयाबीन में पड़ा हुआ है ना, तो फिर ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, इसमें से भी तो निकलेगा। अब इसको अच्छे से चला देंगे। हेलो फ्रेंड, और ये देखिए, जो सब्जी मैंने भुनने के लिए रख दिया है भुन गया है ऑलमोस्ट, और अब ये आलू और सोयाबीन के साथ अच्छे से भुनेगा तब पानी डालेंगे, तो फिर अच्छा बनेगा। और ये देखिए, चावल मैंने चढ़ने के लिए रख दिया है, अब आरब के लिए दाल बना चुकी हैं। और ये देखिए क्या आया है बताइए, गैस करके बताइएगा, जब तक ओपन नहीं करेंगे तो फिर क्या चीज़ है। मीसो से मंगवाया है, वो मेरे पास था नहीं, जो टूट गया था, तो फिर मैंने और चलिए इसको ओपन किया जाए, देखिए क्या चीज़ है। और ये देखिए, अब इसको ओपन करने जा रहे हैं, आप लोग भी देखिए। इसी का बस लेना पास में हो, कर दिया और तीछा नहीं करो ना ऐसे इसको। और ये देखिए, मैंने ओपन कर रहे हैं, ये लोग तो बहुत ज़बरदस्त पैक करते हैं। पता चला इसे, देखो कितना अच्छा। ये मैंने पायल मंगवाया था जो मेरे पास टूट गई थी पायल, तो फिर मैंने ये आर्टिफिशियल पायल मंगवाया है मीशो से। आप लोग भी देखिए कैसा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, लाइट वेट है इसका, मुझे तो ठीक लग रहा है ये पायल। देखिए ये देखिए, जो बहुत ही लाइट है, क्यों सो जा रहे हो। और ये देखिए,
फिर ये इसका आप आवाज़ काट देंगे क्या? नहीं काटेंगे नहीं। और ये अच्छी फूलोगे करोगे हटा दो। ये देखिए मेरा भुन गया है अच्छे से। अब इसमें पानी डाल देंगे अपने हिसाब से। और ये देखिए मेरा सब्जी रेडी हो गया है।